नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत दोस्तों 90 यानी दोस्तों 3 महीने के वीडियो को देख सकते हैं, या एक्चुअली दोस्तों इसके पहले जो है अब तक 89 वीडियो को आ गया। और ये देखिए 90वां वीडियो था, 90, ठीक है। बहुत ही दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो 30 करके जो है 90 दिन जो है वीडियो ओमनीसेंट इंग्लिश पे सिर्फ आया है। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए 90 दिन पूरा होने पर। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहे ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत। तो दोस्तों देखिए वाक्य कैसे बनाते हैं इस वीडियो में, ऐसे इस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। ग्रामर के बारे में बात करेंगे, ग्रामर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले अगर नए हैं आप चैनल पे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों, और वीडियो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर पिछले वीडियो पे जाना चाहते हैं आप, जाहिर सी बात है वीडियो जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि पिछला वीडियो को भी देख लें, तो ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिए यूट्यूब पर, जिससे दोस्तों आप 1 से लेकर 89 दिन तक के वीडियो को आप देख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल फ्री दोस्तों। अभी तक YouTube पे आप है अगर आप देखना चाहते हैं तो। बहुत ही आपको इंग्लिश अगर सीखने के प्रति जुनून रखते हैं, आपको शुद्ध पढ़ना सीखना चाहते हैं, शुद्ध लिखना चाहते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और खासकर इस वीडियो सीरीज के साथ दोस्तों। तो दोस्तों सब कुछ बिल्कुल इजी स्टेप में होता है, क्योंकि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र खासकर मेरा ज़्यादा टारगेट रहता है, शहर में कहीं ना कहीं जो है इंग्लिश थोड़ा सीख लेते हैं, या कहीं भी सीखा जा सकता है दोस्तों। लेकिन आजकल सारे के सारे स्कूल भी इंग्लिश मीडियम में ही हो गए हैं, बुक्स वगैरह अवेलेबल कराए जाते, लेकिन फिर भी जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, जो जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो बोलना चाहते हैं, तो आप इसमें बने रहिए, और थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आप सब कुछ कर पाइएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बात किया था पिछले 4 वीडियो में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात किया था, और यह वीडियो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पद भेद या शब्द भेद। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो किसी वाक्य का एक एक अंश को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ है कि अंग्रेजी में जितना भी वर्ड मीनिंग होता है, जितना भी सारे वर्ड्स देखते हैं आप, यह होता है उन सभी को जो है 8 भाग में बांट सकते हैं। वो कौन कौन हो ये देखिए दोस्तों, संज्ञा जिसे हिंदी इंग्लिश में नाउन कहते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं, वर्ब को जो है यानी क्रिया को वर्ब कहते हैं, विशेषण को एडजेक्टिव बोलते हैं दोस्तों, और क्रिया विशेषण को एडवर्ब बोलते हैं, और संबंध पद को जो है दोस्तों प्रीपोजिशन बोलते हैं। उसके अलावा जो संयुक्त अव्यय है इसको कंजंक्शन बोलते हैं, और विस्मय बोधक जिसे इंटरजेक्शन बोलते हैं दोस्तों। देखिए ये इंटरजेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अब इस वीडियो में दोस्तों संयुक्त अव्यय और विस्मय बोधक यानी कि कंजंक्शन और इंटरजेक्शन दो के बारे में चर्चा होगा। सबका हुआ चर्चा पहला क्लास में, ये दो हुआ, फिर ये हुआ, फिर दोनों हुआ, फिर ये हुआ, चौथा प्रीपोजिशन है, पांचवा में जो है कंजंक्शन इंटरजेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन, अगर आप खासकर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो कंजंक्शन पे आपका कमांड होना चाहिए, हाउ टू यूज, कैसे कंजंक्शन का यूज करेंगे। अगर ये जान गए तो आप बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, इतना पक्का है दोस्तों। चाहे आप भले ही क्यों न कभी पढ़े हो, कहे नहीं कभी इंग्लिश के बारे में, कभी सोचे भी नहीं होंगे, और कंजंक्शन का आपको इस्तेमाल आता है छोटा छोटा। और मेरे चैनल के साथ आप जितने भी सेंटेंसेस को आप देख रहे हैं बनाने का तरीका, क्योंकि सब चीज़ जो है सेंटेंस फॉर्मेट पर ही रहता है, तो इजीली आप पहले ही दिन से आप बोलना सीख सकते हैं जो बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कंजंक्शन। देखिए दोस्तों कंजंक्शन जिसे संयुक्त अव्यय कहते हैं, अब देखिए इसे भी जान लेते हैं कंजंक्शन क्या है। तो जो शब्द यानी वर्ड, इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, भिन्न भिन्न वर्ड जो है शब्द या शब्द समुदाय को, शब्द समूह को संयुक्त कराता है, ठीक है, उसे कंजंक्शन कहता है। कंजंक्शन यानी कि दो को जोड़ना, ठीक है, दो सो जाहिर सी बात है दो को जोड़ना जो है कंजंक्शन कहलाएगा। अब देखिए याद रखना होगा, अंग्रेजी में लगातार बात करना है, बातें करना है या जारी रखना है, तो कंजंक्शन अत्यंत ही जरूरी है। देखिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया भी, लिख कर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर अंग्रेजी में लगातार बातें करना है, फ्लुएंसी लाना है, ठीक है, फ्लुएंट बोलना है इंग्लिश, रेगुलर बोलते रहना है, आधा घंटा 20 मिनट घंटों घंटों बोलना है, तो
आपको कंजंक्शन आना बहुत जरूरी है, तभी एक दूसरे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में आप इन कर पाओगे। अब जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कंजंक्शन के कुछ उदाहरण है, ये कंजंक्शन का क्या उदाहरण है, बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे एंड, देखिए एंड लगाते हैं तभी सेंटेंस में आगे बढ़ पाते हैं। एंड का हिंदी एवं तथापि और, तीन होता है एवं तथापि और एंड के बाद क्रिया जो है वो प्लूरल होता है, ठीक है। कौन सा होता है, सिंगुलर, नहीं सिंगुलर का मतलब होता है दोस्तों, जब मान लीजिए कि बॉय है, या क्रिया के बारे में बात, मान लीजिए गो है, तो ये गो है, ये है और ये देखिए गोज है, ये गोज है, तो ये होता है सिंगुलर वाला क्रिया है, ये जब गो लगेगा तो ये प्लूरल वाला क्रिया होता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है क्रिया। अब देखिए एज वेल एज याद रखिए तभी काम चलेगा, तो एज वेल एज आप देखिए सब याद कर लीजिए, एंड एज वेल एज और, मतलब कौन कौन सा होता है पहले याद रखेंगे, कंजंक्शन कौन कौन सा होता है, उन सारे कंजंक्शन को आप याद रखिएगा, इस्तेमाल तो आ ही जाएगा करने। एज वेल एज इसका मतलब होता है एवं और, अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एज वेल एज का इस्तेमाल एज वेल एज के बाद जो है क्रिया जो सिंगुलर होता है, क्रिया का मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जिसमें ई एस लगा हुआ ये क्रिया हो जाता है। उसके बाद देखिए आइदर और है, यहाँ पर आइदर और है, और चाहे यह चाहे वह, इसका हिंदी होता है आइदर और का मतलब होता है चाहे यह या चाहे वह। अभी इसको इस्तेमाल करेंगे आइदर डू दिस और दैट, तो देखिए यहाँ पर आइदर और यह देखिए और, ये दो है, अब दोनों से जोड़ा गया है, दो वर्ड को जोड़ा गया है, संयुक्त किया गया है, तो आइदर डू दिस और दैट, यहाँ डू को नहीं लिखा गया, आइदर डू दिस आइदर डू दैट, अगर बोल सकते हैं ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा ही बोलने का ही तरीका, आइदर डू दिस और दैट, चाहे या चाहे वह। अब देखिए उसके बाद नाइदर और है, नाइदर और, ना तो वह, इसका एग्जाम्पल तरीका सीख लीजिए, नाइदर ही इज अ डॉक्टर नॉर एन पुलिस, ठीक है, एन नहीं यहाँ ए हो जाएगा क्योंकि ठीक है यहाँ पर ए हो जाएगा याद रखिएगा, क्योंकि पी जो है एक कॉन्सनेंट है इसलिए आर्टिकल में आप समझ सकते हैं। तो नाइदर ही इज अ डॉक्टर नॉर अ पुलिस, ना तो वह डॉक्टर है ना पुलिस है, ये इस तरह के सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े बड़े जब वाक्य बोलते हैं तो ऐसे ही बोला जाता है दोस्तों। तो देखिए इसके बाद नाइदर और के बारे में फिर से यहाँ देख लीजिए, ही इज अ डॉक्टर, नाइदर ही इज अ डॉक्टर नॉर एन पुलिस, ना तो वह डॉक्टर ना ही पुलिस। देखिए वेदर के बारे में जानिए, चैप्टर ही मैंने इस पर वीडियो बनाया था वेदर और नॉट, यानी कि दो में से एक और यह और नॉट का मतलब यह नहीं या नहीं, ठीक है, यह नहीं या नहीं होगा, दो में से एक या नहीं, यानी दो में से एक को चुनना है। जैसे कि सोनू कैन से वेदर मोनू इज गुड और बैड, मोनू सोनू कह सकता है कि मोनू अच्छा या बुरा है, ठीक है, आप यहीं से जोड़ सेंटेंस बना लीजिए, वेदर मोनू इज गुड और बैड, यहाँ पर वेदर भी है और भी आया, यानी कि दो में से एक है, चाहे वो मोनू अच्छा है या बुरा है, तो इस्तेमाल भी करना आप सीख सकते हैं इसे। अब देखिए ड्यू टू का मतलब होता है कारण होता है, तो ओविंग टू का मतलब भी कारण होता है। उसका देखिए अदरवाइज मीन्स वरना, अदरवाइज अब एज देखिए एज का कितना होता है, जैसे क्योंकि जैसा कारण हेतु, एज का हिंदी इतना तरह से हो सकता है, और इतना तरह जब हिंदी का इस्तेमाल इंग्लिश में करना हो तो एज का इस्तेमाल करें, तो एक तरह से एज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एज वेल एज नाइदर नॉर आइदर और वेदर और इस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू अदरवाइज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, केवल ही नहीं बल्कि, जैसे एग्जांपल है ही इज नॉट ओनली स्लिम बट ऑल्सो लॉन्ग, तो देखिए बट ऑल्सो तो यहाँ बीच में आया, नॉट ओनली भी आया बीच में, तो ही इस सेंटेंस के बीच में घुस गया, ठीक है, तो ही इज नॉट ओनली स्लिम, यानी वह केवल जो है पतला ही नहीं बल्कि लंबा भी है, ही इज नॉट ओनली स्लिम बट ऑल्सो लॉन्ग। इस तरह के सेंटेंसेस आप दोस्तों हमेशा जो है प्रैक्टिस कीजिए, अगर प्रैक्टिस करना सीख जाएगा तो जाहिर सी बात नॉट ओनली और बट ऑल्सो
या वेदर वेदर और नॉट या नैदर नॉर या आदर और आप यूज़ करना जैसे सीख जाएगा तो आप बोलना भी सीख जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए इंस्पाइट ऑफ यानी बावजूद, सो दैट ये तो बहुत इस्तेमाल होता है, सो दैट अगर बोलिएगा तो बहुत ही इफेक्टिव होता है और बोलने में भी आसानी होता है। सो दैट इंस्पाइट ऑफ एज सच अतः एज इट मानो तो जैसे कि, देख रहे हैं बहुत ही इजी और सबको याद करना है। आप सभी से निवेदन है कि इसे याद कर लीजिए प्लीज़, अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो इसे याद कीजिए, ठीक है, लर्न कीजिए थोड़ा सा। और इसके देखिए दो है, यद्यपि है, ऑल दो मीन्स तथापि बोलते हैं इसे, यद्यपि बोलेंगे तथापि यद्यपि। उसके बाद इट है तथापि, बट मीन्स किंतु परंतु लेकिन मगर बिना, ये सब क्या है, बट का तो इस्तेमाल हम लोग बहुत करते भी हैं, ऐसे भी करते हैं आपको पता भी नहीं रहता फिर भी बट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अनलेस यानी ना, यदि ना जब तक ना, यदि ना जब तक ना, अनटिल जब तक, तब तक, अनटिल का मतलब तब तक। उसके बाद कैन नॉट बट बिना रह नहीं सकता, एग्जाम्पल बहुत ईजी था, आई कैन नॉट बट गो, मैं जाए बिना नहीं रह सकता। मान लीजिए बोलना है मैं हंसे बिना नहीं रह सकता था, आई कुड नॉट बट लाफ, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता था, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कैन नॉट बट लाफ। अगर बोलना है तो बोलिए कई तरीक़े से, देखिए आप अभी से बोलना आपको आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इंटरजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट है। इंटरजेक्शन इसको दोस्तों विस्मय सूचक भी बोलते हैं, जिस शब्द के द्वारा जो है दोस्तों खुशी यानी कि हर्ष उल्लास या गम विस्मय आश्चर्य आदि का व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे मैं दोस्तों ओह आह हाउ स्ट्रेंज यानी कितना अद्भुत, हाउ चार्मिंग कितना सुंदर, हाउ सेम सेम ठीक है, सेम सेम यानी छी छी, ओह माय गॉड हे मेरे भगवान या हाय राम बोलते हैं। तो हाउ चार्मिंग हाउ स्ट्रेंज ओह आह ये सब जब सेंटेंस बोलते हैं और जब अपना भाव प्रकट करना होता है, इमोशंस प्रकट करना होता है तो विस्मय सूचक यानी इंटरजेक्शन वाले वर्ड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आप भी करना सीख जाइए, खासकर ये लड़कियों में बहुत सारे इस तरह के गुण होते हैं और जो गुण ये प्रकट करती हैं इसी इंटरजेक्शन वाले वर्ड को इस्तेमाल करके अपना जो है इफ़ेक्ट डालती हैं दूसरों पर। तो इंटरजेक्शन वाले वर्ड को आप भी इस्तेमाल कीजिए और अपना जो है प्रभाव दूसरे पर छोड़िए। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए सभी को जो भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश उनके लिए यह वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, घंटी को दबाइए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के प्रति आपको सीखने का जुनून है तो दोस्तों घंटी को दबाना ज़रूर दबाइए, दबाना भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।